फ्रेंड्स, आज आपका कविताज गोल्डन वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ वो उन चेहरों के लिए है जो इनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा जलन रहती है या उन्हें ऐसा झाई की प्रॉब्लम होती है ना, उन फेस के लिए आज मैं जो टिप बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। कभी कभी हम बाहर जाते हैं और जब लौट कर आते हैं तो चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा जलन और रेडनेस फील होती है, उसके लिए ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है। बहुत ही कम चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ती हैं। ये देखिए, ये है खीरे का गूदा जो होता है, जिसको मैंने काट कर, या तो आप कद्दूकस कर सकते हैं या फिर आप मिक्सी में पीस कर इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना सकते हैं। ये देखिए, ये आधे खीरे का है। फिर ये गुलाब जल, एलोवेरा जेल, जो आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट है तो आप उससे भी निकाल कर, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा क्योंकि वो नेचुरली निकला हो ना। ये तो मान लीजिए मार्केट का है, ये तो अच्छा है ही, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और ये नींबू, नींबू की दो चार बूंदें ही चाहिए। जिसकी ड्राई स्किन, मैं बार बार कहती हूँ, जिसकी ड्राई स्किन है उसे शहद भी यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले आइए चलते हैं शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने चेहरे को सादे पानी से ज़रूर धो लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को सादे पानी से धो लिया है। अगर आप कच्चे दूध से भी अपने चेहरे को साफ कर लेती हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब चलिए शुरू करते हैं। ये जो खीरे का जो पेस्ट हमने बनाया है उसमें हम सबसे पहले डालेंगे गुलाब जल। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मिक्स होने पर, ठीक है। उसके बाद एलोवेरा जल, ये देखिए दोस्तों, एक चम्मच के करीब होना चाहिए। फिर उसमें दो चार बूंद नींबू का रस। मैंने लिया खीरे का पेस्ट, एक चम्मच गुलाब जल, एक चम्मच एलोवेरा जल और दो चार बूंद नींबू की, उसको अच्छे से मिला लिया। और जिसकी बहुत ड्राई स्किन है उसको शहद यूज़ करना चाहिए। दो बूंद अगर नींबू का रस डालते हैं तो ठीक है, और उसके साथ साथ शहद भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इसका एक पोर्शन लेकर अच्छे से अपने फेस पर मसाज करेंगे। बहुत ही कम समय में आपको अपने फेस पे एक नेचुरल ताजगी की फीलिंग आएगी। देखिए, दो मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करेंगे। याद रखिए, आंखों के पास बहुत ही हल्का दबाव डालना चाहिए, बहुत ही हल्के से करना चाहिए, क्योंकि आंख के पास की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट, बहुत सेंसिटिव होती है। हल्के हाथों से मसाज करें। कम से कम ये आपको 2 से 2.5 मिनट की करना चाहिए। 2 से 2.5 मिनट तक मसाज करें, और मसाज करने के बाद आप अच्छे से आप इसको 2 मिनट तक मसाज करेंगे। दोस्तों, 2 मिनट हो गए हैं मुझे मसाज करते, और अब आप इसको, जो बाकी बचे पेस्ट हैं उसको लेकर ऐसे अपने चेहरे पे लगा के इसके जो ये गूदे हैं जो बचे हुए, इसको आप अपनी आंखों पे रख के बस 2 मिनट और के लिए रेस्ट दे देंगे। 2 या 2 से अगर आपको और थोड़े टाइमिंग बढ़ानी है तो 2 से 4 मिनट भी आप कर सकते हैं। ऐसे रख के बस 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। दोस्तों, 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं इसको सादे पानी से
धोने के लिए। देखिए हल्का हल्का सूख भी गया है, ठीक है। हमने इसको 4 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दिया था, अभी हल्का हल्का सूख गया है। अब हम जा रहे हैं इसको धुलने के लिए। देखिए दोस्तों, अब मैं अपने चेहरे को सादे पानी से धोकर आ गई हूँ और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है अंदर से। आप भी जब ऐसे करेंगे ना तो आपको भी काफ़ी अच्छा फील होगा। ये देखिए चेहरा, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल साफ लगने लगता है। ये देखिए, ये आप ज़रूर घर में करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बहुत ही आसान से उपाय हैं जो चेहरे की जलन को दूर करने के लिए या चेहरे में जो छाइयाँ होती हैं उसके लिए बहुत ही अच्छे उपाय हैं। आप ज़रूर करिएगा, और जो भी आपको इससे इफ़ेक्ट अपने चेहरे पे नज़र आएगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।